अब मैं MP बनना चाहता हूँ, बेवकूफ चाय वाले या महाबेवकूफ चाय वाले थे के। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लुधियाना में बेवकूफ चाय वाला के नाम से मशहूर है, जिसका नाम राम शंकर है और अब वह लोकसभा चुनाव में लुधियाना से लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। आप भी देखिए इस बेवकूफ चाय वाले को, जिसकी रेड़ी पर चाय पीने वालों का तांता लगा हुआ है। अब मैं MP बनना चाहता हूं, बेवकूफ चाय वाले या महाबेवकूफ चाय वाले थे, क्योंकि जनता 5 साल के अंदर ये देखेगी कि मैंने वोट किसी को दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या काम किया क्या नहीं किया, सारी सरकारें सारी सुविधाएं सारी ऐसा करूंगा जो कि कुछ आगे बढ़ने के लिए काम हो। और महाबेवकूफ बेवकूफ जनता को ना समझे, जनता बहुत समझदार है, वोट देके समर्थन देते हैं पार्टियों में, फिर पैसे लेके बिक जाते हैं और जितने लीडर हैं वो काम नहीं करते हैं, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। मेरा चुनाव निशान गिलास रहेगा जो हर व्यक्ति के साथ है और हर काम में आता है, जीते मरते दम तक चुनाव चिन्ह गिलास रहेगा। MP बनना चाहता हूँ, कुछ सत्ता के अंदर आऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा, कुछ सिस्टम चेंज होगा, कुछ लोगों को चेंज करूँगा। जब सिस्टम चेंज होगा तो लोग अपने आप चेंज होंगे। पहला नंबर, एक बच्चे को सिखाया जाता है छोटा, और दूसरा नंबर सिखाया जाता है इंग्लिश में ए, और फिर तीसरा नंबर गिनती, चौथा नंबर इन्हीं लोगों से पहचान होती है और बच्चा आगे आगे जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे कामयाब हो। चुनाव लड़ने का मेरा विचार था पहले से, और कुछ कुदरती इनके लक्षण देख के जो सिस्टम देख के, तो कुछ हमको भी आगे बढ़ने के लिए खोजा, कुछ नाम कमाया जाए। बेवकूफ चाय वाले से थोड़ा थोड़ा मशहूर होके अब मेरी समझ में आया कि ये जनता को वास्तविक सरकार हमारी जो है बेवकूफ बनाती है, और 5 साल हर चुनाव होते अपना चाय बेचता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ लोगों को कि मैं भी खड़ा होऊंगा और मेरे को भी वोट देना। कहते हैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन चुनाव आपका क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ कि गिलास मेरा चुनाव रहेगा चिन्ह।